नमस्कार, सभी का स्वागत है। देवहर समुदाय का जबरदस्त महासम्मेलन किया गया है। आपको बता दें कि संकल्प सम्मेलन में देवहर समुदाय के हजार संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे बिहार से यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या फिर वो लोग हैं जो देवहर समुदाय से आते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर देवहर समुदाय को SC का दर्जा मिले, इसके लिए मांग कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार गौरव हैं, वो लगातार वर्षों से अपने समुदाय के लिए, देवहर समुदाय के लिए लगातार यहाँ पर कार्यक्रम करते आ रहे हैं, खासकर दरभंगा में। दरभंगा में इस वक्त आपको बता दें कि दरभंगा के सभी प्रखंड में, सभी गांव में देवहर समुदाय का जो बैनर है, जो पोस्टर है, वो लगाया गया था। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर जिस तरह से इस समाज के लोगों को पीछे रखा गया है उसकी मांग कर रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय ऑडिटोरियम में देवहर समुदाय का संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कुमार गौरव पहुंचे। अन्य अतिथियों ने प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया है। यहाँ पर प्रदीप चौधरी हैं जो बहेरी से पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर प्रभास लाल देव हैं जो पहुँचे हुए हैं, बहेरी के जो अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को आप देख सकते हैं स्टेज पर बड़ा माला लेकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गांव-गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि छात्र एवं विभिन्न विभागों में पदस्थापित लोगों को सम्मानित कर हौसला अफजाई किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मेधावी लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसा कुमार गौरव ने कहा है। उनके साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। देवहर समुदाय विकास समिति के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव ने अपने संबोधन में देवहर समुदाय के लोगों को अपने अपने बच्चों को शिक्षित करने को कहा है एवं शिक्षा में हर संभव सहयोग करने की बात उन्होंने बताई है। जो कुमार गौरव बरसों से करते आ रहे हैं, गरीब बच्चों का मदद हो, समाज का मदद हो, वो करते आ रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा है कि देश की आज़ादी के बाद से हम लगातार ठगे जा रहे हैं। आज तक हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होने के कारण हमारे देवहर जाति का एक भी लोग विधानसभा, लोकसभा या कोई भी सदन नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे हम अपनी बातों को नीति निर्धारक तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारी समुदाय अभी तक जो कुछ भी है वह सिर्फ अपने बदौलत ही है। देवहर समुदाय के कुछ युवा अपने बदौलत तो सरकारी नौकरी तो हासिल कर लेते हैं, मगर सामाजिक स्थिति दयनीय होने के कारण समाज के मुख्य धारा में अलग थलग रहने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा का यह ऐतिहासिक सम्मेलन एक झांकी है, पटना का सम्मेलन अभी बाकी है। जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में देवहर समुदाय अपनी मांगों को लेकर पटना में सम्मेलन आयोजित कर अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि जाति के लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब अपने बच्चों को शिक्षा से जुड़ेंगे। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को शिक्षित होने से में आने वाले विभिन्न समस्याओं के समाधान में उनका मदद देने का अपील किया है। डॉक्टर कुमार गौरव देवहर समुदाय विकास समिति के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू सुनिए उन्होंने क्या कहा है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हजारों के हजार संख्या में लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों तक शेयर करिए, देवहर समुदाय का मदद करिए। आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का दो सूत्री मांग है। एक है कि हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जिससे हमारे जाति का विकास होगा, क्योंकि आज तक हमारा समाज जो है आज़ादी से अभी तक पिछड़ा हुआ है और कोई भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे बच्चे को पढ़ाने में कठिनाई हो रही है। अगर हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाता है तो हम लोगों का समुचित विकास हो सकता है। दूसरा है कि हम लोगों के समाज का राजनीतिक भागीदारी आज तक नहीं मिला है, राजनीतिक भागीदारी के लिए। इसलिए हम समाज के तमाम लोग यहाँ कार्यकर्ता के रूप में आए हैं और संकल्प सभा का आयोजन था, उस सभा को माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह संकल्प सभा दरभंगा जिला के लिए कि और जगह से भी लोग आए हैं? पूरे बिहार के कार्यकर्ता आज यहां पहुंचे हैं, सिर्फ दरभंगा जिला के लोग नहीं हैं यहां, लेकिन मुख्यतः दरभंगा जिला के लोग हैं, लेकिन कार्यकर्ता सभी जगह के पहुँचे हुए हैं।